मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शो ट्यून करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 9 से 11 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है और दिन का आगाज अच्छा हो उम्मीद के साथ आपके साथ आज हम रिसर्च शेयर करेंगे। और रिसर्च जनाब क्या है, ऐसी हम देखते हैं अल्लाह ताला की कुदरत। नो डाउट हम एक 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 माइन्यूट सी चीज़ भी देखें तो उसमें कोई ना कोई हिकमत, कोई ना कोई कुदरत जो है वो मौजूद होती है। ऐसे ही एक दरख्त के हवाले से बताने वाली हूँ जिसमें मौसम बरसात के बाद आबशार उबलती है। जनाब ये दरख्त जो है शहतूत का दरख्त है जो डिनोसा में है और इस शहतूत के दरख्त से आबशार बहने का जो अपनी नोयत का मुनफरद अमल है वो तकरीबन 20 या 25 साल से जारी है। यहाँ के जो मुकामी अफराद हैं वो कहते हैं जनाब कि ये दरख्त जो है 100 साल पुराना है जिसके तने के बीच में एक गैप बन गया है जिसमें से ठंडे और साफ पानी की आबशार निकलती है और ये मंजर नहायत खूबसूरत लगता है। और कहा यह जाता है कि बरसात के मौसम में जमा होने वाला जो जेर ज़मीन पानी है वो दरख्त की जड़ों से होता हुआ तने में दाखिल होता है और किसी दबाव की वजह से तने में मौजूद खला के जरिए बाहर आ जाता है। और ये 20 से 25 साल हो चुके हैं इस अमल को जारी हुए हुए और ये शहतूत के दरख्त में से आबशार निकलती है। और ये वाकई इट्स अनबिलीवेबल कि आप एक दरख्त के अंदर इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें से मुसलसल पानी निकल रहा हो। और ये कुछ ना कुछ डेफिनेटली इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ भी होंगी, कुछ ऐसे कह लें उसमें रिलेट किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये अपनी नौयत का एक मुनफरद दरख्त है तो बहुत सारे लोग इसको देखने की जो कह रहे हैं ना जस्तजू में यहाँ पर आते भी हैं और उसको ऑब्जर्व भी करते हैं। और ये नेचुरल फिनोमेना है नो डाउट। और ये डिनोसा एक गांव है जहाँ पर ये दरख्त है और वहाँ के मुकामी लोगों ने इस हवाले से ये इसकी एक कह लें कि लॉजिक बताई है कि यहाँ पर जो दरख्त के दरम्यान में गैप है उसकी वजह से जेर ज़मीन पानी जो है दरख्त के ज़रिए बाहर आता है। तो जनाब ये जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की, अब ज़रा हम अगली रिसर्च की जानेब आएंगे। और जब हम बालों की बात करते हैं तो लंबे बाल किसको नहीं पसंद, और अगर आपके बाल 8 फुट जो है लंबे हो और इतने घने भी हों कि आप परेशान हो जाएं तो मतलब ये एक खातून है बल्कि एक बच्ची है जिन्हें 18 साल की कम उम्र जो है सबसे लंबे बालों वाली लड़की होने का एजाज़ हासिल है। और ये जनाब अपने बालों का बेहद ख्याल रखती हैं और उन्होंने बचपन से ही अपने बाल बढ़ाना शुरू किए हैं और इसकी नशोनुमा के लिए ये ख़ास किस्म की जड़ी बूटियां इस्तेमाल करती हैं और इन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में बाल नहीं कटवाए। इनके बालों की लंबाई है लगभग 8 फिट है और इन्होंने अपने खूबसूरत बालों की बिना पर नेशनल रिकॉर्ड कायम करते हुए दुनिया में 18 साल से कम उम्र लड़की के सबसे लंबे बाल होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। वैसे बालों की ग्रोथ के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ, और हम तो खुद भी है, मेरी अपनी भी यही प्रैक्टिस होती है कि जैसे आपके बाल थोड़े लंबे होते हैं आपको उसको ज़रूर ट्रिम करवाना चाहिए, लेकिन अगर ये ट्रिमिंग या बाल कटवाने के बगैर अब तक अपने इतने लंबे बालों की देखभाल कर रही हैं तो बहुत सारी खवातीन को उनसे टिप्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के दौर में अच्छे बाल होना भी एक नेमत है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा उनको ट्रीट करते हैं, इतने ज़्यादा हमारा उनके साथ कह लें कभी स्ट्रेटनर है, कभी ड्रायर है, कभी डाई है, कभी एक्सटेंसो है, इतनी बेतहाशा हम उनके साथ बुरा सलूक करते हैं कि कुछ नहीं बचता। मुझे तो अभी हमारी उम्र में, मैं अभी अपनी नानी को ऑब्जर्व करती हूँ, उनके अभी तक इतने लंबे बाल हैं और हमारे तो इस एज में आके इतने से बाल रह गए। जनाब ये तो बालों वाला मामला बड़ा सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है मेरे लिए क्योंकि मैं अपने बालों को लेकर बहुत सेंसिटिव हूँ। अच्छा जी, ये तो खातून है बल्कि बच्ची हैं जिन्होंने इतने लंबे बाल रखे हुए हैं, इनके हवाले से तो हमने आपको बता दिया। अब ज़रा आएंगे आपके सामने जो हम रिसर्च शेयर करने वो महंगे तरीन परफ्यूम के हवाले से भाई। और ये दुबई में दुनिया का महंगा तरीन परफ्यूम जिसे शाहमुख बिकने के लिए तैयार है जनाब। और परफ्यूम की कीमत मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको परफ्यूम के ज़रा कह लें ना इसके फीचर्स बता देती हूँ। इस परफ्यूम की बॉटल पर जो सबसे कीमती तरीन मोती है दर्रा उस वो जड़ा हुआ है और इसके अलावा बोतल पर बाज अजबर अमल नरजिसी हबा और दीवान जैसे हीरे भी लगे हुए हैं जनाब, जिसे देखने वाले परेशान हो जाते हैं। पर जो परफ्यूम बनाया है जिस कंपनी ने, उसके मालिक का कहना है कि परफ्यूम की जो हतमी कीमत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये आम बाजार में बिकने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये परफ्यूम की कीमत जो है जनाब कुछ इन्होंने
एस्टीमेट दिया है, ये तकरीबन 47,50,000 दरहम है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में बात की जाए तो 18 करोड़ से ज़ायद की ये जनाब परफ्यूम बनाई गई है। और ये परफ्यूम जनाब कुछ इतनी ज़्यादा कह लें एक्सपेंसिव परफ्यूम है, क्या आप परेशान हो जाएंगे मतलब। और जनाब इस पर इन्होंने बहुत सारे फीचर्स भी लगाए हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हीरे इस पर लगाए हुए हैं। और ये परफ्यूम दुबई के शॉपिंग मॉल में रख दिया गया है, जिसे नवील परफ्यूम ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बनाया, और कंपनी के मालिक का कहना है कि परफ्यूम हीरे मोतियों और खुशबू का हसीन इम्तिजाज है। और ये बॉटल है परफ्यूम की जिसमें हीरे लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये भी बताया कि परफ्यूम जिस खरीदार ने ये परफ्यूम खरीद लिया उसको 6 माह तक इंतजार करना पड़ेगा और उसे फिर ये परफ्यूम डिलीवर किया जाएगा। इसकी लॉजिक मुझे समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है एक्सपेंसिव परफ्यूम है तैयारी में, क्योंकि आम उन्होंने पहले भी बता दिया कि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, इसको ख़ास ऑर्डर पर बनाया जाएगा और इसको दुबई के शॉपिंग मॉल में रखा गया है नुमाइश के लिए। और इतना महंगा परफ्यूम जो ख़रीदना चाहेगा, फिलहाल से दुबई में लोग ख़रीद ही लेंगे, ठीक है। चलिए आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, न्यूज़ स्टोरीज पे डिस्कशन करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।